जानकारी बहुत जरूरी है, नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, हमें लेना है, सीखना है, लेकिन वापस आके अपने देश को भी कुछ देना है। इस सोच के साथ आप जाइए कि अपने देश के लिए कुछ करना है। जो हमारे भाई सीमा के ऊपर हमारे लिए गोलियां खाते हैं, उन भाइयों के लिए भी उनका सिर ऊंचा रखने के लिए, उस तिरंगे को और आगे ले जाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश को कुछ देना है। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए। और अभी बहन ने कहा ना कविता में, जो तिरंगे का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना। तो इसलिए देशभक्ति से ओतप्रोत होते हुए जो राष्ट्र एकता की बात हम करते हैं, उसके अंदर अपने जोश को, जुनून को, जोश और जुनून को जगाए रखना, उस जोश को कम मत होने देना, और वही जोश है वो हमेशा आपको आगे लेके जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बहनों से कहूंगी कि बहन सुई मुई बनना छोड़ दो और धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो, है ना। अब बहनों ने इतना अच्छा योगा किया है, उनसे पूछ के देखना उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा, और उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे ना आप लोगों से ज्यादा दुगना होगा। तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालिए, चाहे आधा घंटा निकाले, योग करें, प्राणायाम करें या दौड़ लगाएं। क्योंकि आजकल जो मैं देखती हूँ तो बहनें क्या नाम सलीम बनने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देती हैं, तो छोड़ती है ना। तो बहनें खाना पीना छोड़ दोगे तो हमारी ताऊ जी और की उम्र में आते आते तो खाट पे बैठ जाएंगे, 50 साल की उम्र में खाट में बैठ जाएंगे, एनर्जी कहां से मिलेगी। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सलीम तो हो गए, लेकिन एनर्जी कहां से आएगी, काम कहां से करोगे। वो एनर्जी लेने के लिए भी तो कुछ खाना पड़ेगा। पेट भर के खाइए, जो मन करता वो खाइए, लेकिन साथ में आप थोड़ी सी कसरत करिए, वो कसरत से सलीम होंगे। मैंने ये मेरा बेबी हुआ था, मेरा 80 किलो वेट था, 80 किलो वेट, और आज मेरे अंदर 58 किलो वेट है। ये कैसे हुआ आप सोचते होंगे कि दीदी ने या तो कुछ ऐसा कि खाया होगा कि जिसे वेट घट गया होगा, या कुछ ऐसा किया होगा कि खाना पीना छोड़ ही दिया होगा। मैंने खाना पीना आज तक भी नहीं छोड़ा है, और जितना घी और मीठा मैं खाती हूँ शायद मेरे घर में कोई भी नहीं खाता होगा। लेकिन मैंने डाइट शेड्यूल के साथ साथ, डाइट शेड्यूल का मतलब यह है कि हम घी मीठा कम करें, लेकिन प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को रहती है, तो प्रोटीन की मात्रा हम जितना ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। प्रोटीन एनर्जी भी देता है। डेली हमारे घर पे दाल बनती है तो दाल जरूर खाएं, दाल, पालक, हरी सब्जी। आप तो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर पढ़ाती है वो तो पढ़ाती होगी आपको, और आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लाइफ में अनुभव किया इस चीज को कि प्रोटीन कितना जरूरी है। प्रोटीन हमारे सेहत के लिए इतना जरूरी है, वजन घटाने में भी वो हेल्प करता है और वजन बढ़ाने में। स्प्राउट जिसको बोलते हैं, स्प्राउट का मतलब समझते हो, सारी बहनें समझते होंगे भाई, आजकल तो इंग्लिश इतनी इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग, तो हम तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं, बोलते हैं ना। अच्छा, स्प्राउट का मतलब होता है कि अंकुरित फल, सॉरी अंकुरित जो अनाज होता है, जैसे दाल को हमने रात को भिगो दिया और वो छोटे छोटे अंकुरित हो जाते हैं, होते हैं ना, तो उसको स्प्राउट बोलते हैं। वो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी भी देता है। आपको वेट लूज करना है तो वो खाइए सुबह उठिए। सोयाबीन की दाल बनाइए, सोयाबीन, मूंगफली, हरे मूंग, ये तीनों रात को भिगो दो और सुबह उठ के दाल बना के खाइए, इतनी एनर्जी देगा आपके अंदर। इसलिए मैं कहती हूँ कि भूखे मर के पेट नहीं घटाना है, खाना छोड़ के पेट नहीं घटाना है, मेहनत करके कसरत करके पेट घटाना है, सांस अंदर खींच के पेट को कम नहीं करना है, है ना। खुले में सांस लीजिए लेकिन मेहनत करनी, करेंगे ना, ऊपर हाथ करके बताइए कौन कौन करेगा। वेरी गुड। अगर वास्तव में आप लोगों ने संकल्प लेके जाएंगे तो मैं भी हृदय के साथ खुश होकर जाऊंगी, पूरे दिल खुश मेरा ऐसे झूमता हुआ गाता हुआ जाएगा कि मेरी बहनों ने आज संकल्प लिया है तो मैं, मेरा आज जाना वहां पे सफल हो गया। करेंगे ना, करेंगे ना। आवाज कम आई इधर से, क्या बात, बहन खाना नहीं खा के आए लग रहे हैं ना।